Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 6. And here is your book, Cyber Creator, and this is by Brainroot series. So children, today we are going to start chapter number 1 and the name is Classification of Computer and Languages. तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स और उनके लैंग्वेजेस के बारे में. व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. कौन कौन से जनरेशंस थे कंप्यूटर के, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं एंड लैंग्वेज प्रोसेसर्स. बिफोर वी बिगिन लेट्स आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर गिवन बिलो. तो आप देख सकते हो अलग अलग कंप्यूटर्स आपके सामने हैं, उनके पिक्चर हैं. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आइडेंटिफाई दीज कंप्यूटर्स. सो यस, दिस इज अ लैपटॉप एंड दिस इज अ टैबलेट. सिमिलरली आइडेंटिफाई द रेस्ट ऑफ द पिक्चर्स दैट आर गिवन यू. Generations of computer. Generations कौन कौन से computer के. The computer you see today is not like what it was used many years back and even till very recently. आज के time में आप जो computer use कर रहे हो ये नहीं थे पहले, ये बहुत उससे ज़्यादा advanced form है. पहले जो है दूसरे तरीके के computers use किए जाते थे. It has gone through many generations of technology, innovations to reach its current form. अपने इस आज के form तक आने के लिए computer को कई सारे generations को cross करना पड़ा. With every generation of computer, there is a major development in technology. और हर generation के आने के बाद technology और ज़्यादा आगे बढ़ गई. Due to technological upgrades, computer have become smaller and cheaper and more powerful. तो अब क्योंकि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है तो कंप्यूटर अब छोटे हो चुके हैं, सस्ते हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर, मीन्स पावरफुल भी हो चुके हैं. Computers are classified into different generations based on advancement of technology. ये जो कंप्यूटर है इन्हें जो है अलग अलग जनरेशन्स में क्लासिफाई किया जाता है इनके टेक्नोलॉजी के बेस पे, डिज़ाइन के बेस पे. लेट्स लर्न अबाउट जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर. तो चलिए कंप्यूटर के जनरेशन्स के बारे में पढ़ते हैं. तो पहला आप देख सकते हो कुछ फीचर्स दिए गए हैं. फर्स्ट जनरेशन जो कि 1940 से 1956 में था. फिर सेकेंड जनरेशन आता है जो 1956 से 1963 तक था. थर्ड जनरेशन आया 1964 से 1971 तक. और फोर्थ जनरेशन आया 1971 से अभी तक. सो ये है फोर जनरेशन्स कंप्यूटर के. तो पहला आता है प्रोसेसर. तो जो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें जो प्रोसेसर था उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए जाते थे. सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स ने ले ली. थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट्स मीन्स आईसीज ने ले ली. और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए. नेक्स्ट आता है इनपुट. तो इस समय जो है फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड्स यूज़ किया जाते थे एंड पेपर टेप्स यूज़ किए जाते थे. सेकेंड जनरेशन में सिर्फ पंच कार्ड यूज़ किए जाते थे. अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की, तो यहाँ पे कीबोर्ड यूज़ किए जाने लगे. और फोर्थ जनरेशन में कीबोर्ड और माउस दोनों यूज़ किया जाता है इनपुट देने के लिए. नेक्स्ट आता है आउटपुट. आउटपुट के लिए फर्स्ट जनरेशन में प्रिंटर यूज़ किए जाते थे. सेकेंड में भी प्रिंटर यूज़ करते थे. थर्ड में मॉनिटर प्रिंटर दोनों यूज़ होता है एंड फोर्थ में भी मॉनिटर प्रिंटर दोनों यूज़ किया जाता है. अब हम बात करते हैं मेमोरी की. तो फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक टेप्स को यूज़ किया जाता था फॉर मेमोरी पर्पस. सेकेंड जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम्स आ गए थे. थर्ड जनरेशन में मैग्नेटिक डिस्क आ गए थे ड्रम्स की जगह.
और फोर्थ जनरेशन में भी मैग्नेटिक डिस्क हैं। अब हम बात करते हैं साइज की। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, तो राइट इट हियर वेरी ह्यूज। सो ये जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स स्मॉलर दैन द फर्स्ट जनरेशन, ये थोड़े छोटे थे फर्स्ट जनरेशन से। थर्ड जनरेशन में ये इसके पहले वाले जनरेशन से छोटे थे, और फोर्थ जनरेशन में अपने पहले वाले जनरेशन से ये कंप्यूटर छोटे होते गए। तो पहले बड़ा था, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटे कंप्यूटर्स आ गए। आपको पता है पहले कंप्यूटर एक रूम जितने बड़ा हुआ करता था जब इसे पहली बार बनाया गया था। नेक्स्ट आती है अब स्पीड की बारी। तो पहले जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो थी, फिर थोड़ी सी उससे फास्ट हुई, फिर फास्टर दैन प्रीवियस जनरेशन और फास्ट हुई, और भी ज़्यादा फास्ट हुई। मीन स्लो, फास्ट, फास्टर एंड फास्टेस्ट हो चुकी है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कॉस्ट की। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा कम कॉस्टली था, अब सेकेंड जनरेशन से भी कम कॉस्टली था, और ये थर्ड जनरेशन से कॉस्टली है। नेक्स्ट अब हम एग्जाम्पल्स की बात करें, कौन सा कंप्यूटर यूज़ किया जाता था फर्स्ट जनरेशन में। तो ENIAC और UNIVAC यूज़ किया जाता था। सेकेंड जनरेशन में IBM 70 A704 और IBM 1401 यूज़ किया गया। थर्ड जनरेशन में IBM 370 और NAV 7500 यूज़ किया गया। और अब हम फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं, यहाँ पे इंटेल प्रीमियम कोर i3 एंड मैक इंटोसिस यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं अब हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की तरफ। तो हमने पढ़े फोर जनरेशन कंप्यूटर के, अब फिफ्थ जनरेशन की बारी आ गई है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स ये अभी भी डेवलप किए जा रहे हैं, ये डेवलपमेंट स्टेज पे हैं अभी भी। ये थ्रू एप्लीकेशंस लाइक वॉइस रिकॉग्निशन आर ऑलरेडी बीइंग यूज्ड टुडे। भले ही वॉइस रिकॉग्निशन जो है अभी भी यूज़ की जा रही है, लेकिन ये कंप्यूटर्स अभी भी अंडर डेवलप्ड हैं। द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर दिस जनरेशन इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया जा रहा है, जो क्या करता है, विच इज़ द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस। जो कंप्यूटर्स को ऐसा बना देगा कि वो हमारी तरह थिंक मीन्स सोच सकते हैं और बिहेव भी कर सकते हैं। द यूज़ ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर्स एंड द जनरेटिव कैपेबिलिटीज हेल्प टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ रियल लाइफ रियलिटी। तो ये जो सारी चीज़ें अगर इन्हें यूज़ किया जाए इन कंप्यूटर्स में, तो ये सच में, ये कंप्यूटर सच में लाइफ की तरफ आ जाएंगे। मीन्स ऐसा लगेगा इनमें लाइफ आ चुकी है। द गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग इज टू डेवलप डिवाइसेस दैट रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेजेस इनपुट एंड आर केपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो मेन एम है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का, वो चाहते हैं कि ये जो कंप्यूटर्स हैं वो नेचुरल लैंग्वेज को कैप्चर कर सके और लर्न करना सीखे, खुद से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना सीखे। मींस इसमें इन एआईज में या फिर इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में ह्यूमन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना हो, ये खुद से ही अपने आप को ठीक कर लें या खुद से ही डिसीजन ले लें और काम कर दें। सम ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर एज फॉलोस। दे आर एबल टू थिंक एंड कैन टेक डिसीजन लाइक ह्यूमन। ये हमारी तरह सोच सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। दे आर इंटेलिजेंट लाइन ह्यूमन बीन। ह्यूमन बीन की तरह ये इंटेलिजेंट होंगे। दे आर यूज इन एरियाज ऑफ रोबोटिक्स एंड डिफेंस। तो रोबोटिक्स और डिफेंस के जो एरियाज है वहाँ पर इन्हें यूज़ किया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सो चिल्ड्रेन, यू हैव सीन हाउ द कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। आपने तो देखा ही होगा, आजकल जहाँ देखो वहीं कंप्यूटर यूज़ हो रहा है आपकी डेली लाइफ में, आप रोज़ इसे यूज़ करते हो। इन ऑल द फील्ड्स वेदर इन एट इज इट इज़ टू बी डन एट होम, ऑफिस, स्कूल, मॉल, हॉस्पिटल। तो हर जगह कंप्यूटर यूज़ किया जा रहा है। जस्ट लाइक इन अ स्कूल डिफरेंट टीचर्स टीच डिफरेंट सब्जेक्ट्स,
Different types of computers are used in different places to do variety of work. तो जैसे स्कूल में टीचर अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाती है, वैसे ही अलग अलग कंप्यूटर्स बनाए गए हैं अलग अलग तरीके के कामों को करने के लिए. A computer used in a shop for billing may not be suitable for a hospital. तो जो कंप्यूटर बिल बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है वो हो सकता है हॉस्पिटल के लिए कंपैटिबल ना हो, या फिर किसी रिसर्च पर्पस के लिए कंपैटिबल ना हो. सो लेट्स लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड दे आर. पहला आता है माइक्रो कंप्यूटर्स, फिर आता है मिनी कंप्यूटर्स, फिर है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, और उसके बाद आते हैं सुपर कंप्यूटर्स. अब माइक्रो कंप्यूटर्स को फिर से कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आता डेस्कटॉप, टैबलेट, पाम टॉप, हैंडहेल्ड डिवाइसेस एंड एम्बेडेड सिस्टम्स. सो लेट्स डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. तो चलिए पढ़ते हैं अबाउट माइक्रो कंप्यूटर्स. So microcomputers also are called personal computers. तो इन microcomputers को हम personal computers कहते हैं, PCs कहते हैं. ये एक जो है small computers होते हैं जिसका CPU इसका microprocessor होता है, और which is placed in a single integrated circuit chip, जो कि एक छोटे से circuit chip में लगा हुआ होता है. ये जो computers होते हैं ये छोटे होते हैं size में और इनका cost भी कम होता है. ये जो है जनरली यूज़ किए जाते हैं, यूजुअली डिज़ाइन फॉर पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं. जैसे कि देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर, क्योंकि ये पर्सनल काम के लिए यूज़ किए जाते हैं, पर्सनल कंप्यूटर या फिर पीसी कहा जाता है. एग्जांपल है कॉमोडोर 64 एंड IBM पीसी. दे आर मेनली यूज इन होम, स्कूल, ऑफिस, शॉप, बैंक एक्सेट्रा. तो इन सब जगहों पर पर्सनल कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं. नाउ फॉलोइंग आर द वेरियस माइक्रो कंप्यूटर्स दैट आर गिवन डिफरेंट नेम्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस. तो माइक्रो कंप्यूटर्स को भी आगे जाके डिफरेंट सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो अलग अलग जगहों पर यूज किए जाते हैं अलग अलग कामों के लिए. पहला आता है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर. ये जो कंप्यूटर है ये डिज़ाइन किया गया है ऐसे कि आप आराम से बैठ सके अपने डेस्क पे और ये और काम कर सके. ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है ये बहुत सारे यूनिट्स के साथ आता है, जैसे कि इसका पहले मॉनिटर होता है, फिर एक सीपीयू होता है, इसमें कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं एक सिंगल यूनिट से. Nowadays, CPU and monitor being provided as a single piece only. आजकल क्या है, CPU और monitor को single piece provide किया जाता है. अब आता है आपका laptop computers. ये जो computers होते हैं वो छोटे होते हैं size में, और इसे आराम से हम अपने lap पे means अपने गोद में रख के use कर सकते हैं. ये जो है battery से चलने वाले हैं, ये portable होते हैं, कहीं भी आप easily लेके जा सकते हैं. ये सारे कामों को परफॉर्म करते हैं, सारे टास्क को परफॉर्म करते हैं जो भी हम अपने डेस्कटॉप पे करते हैं. तो जो काम हम डेस्कटॉप पे कर सकते हैं वो लैपटॉप पे भी हो सकता है. लेकिन ये जो लैपटॉप्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में. अगर ये 10,000 का आएगा तो ये हो सकता है 30,000 या 40,000 का है. तो ये जो लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं ये डेस्कटॉप कंप्यूटर से काफ़ी महंगे होते हैं. These computers are mainly used by people who travel a lot. ये computers, ये जो laptops है ऐसे लोग use करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा travel करते हैं. We can fold down the screen of laptop on to the keyboard. हम इस laptop के screen को fold करके keyboard के ऊपर रख सकते हैं जब हम use ना कर रहे हों. Laptops are usually 13 to 15 inches screen. इनकी जो स्क्रीन होती है 13 से लेकर 15 इंच की होती हैं. नेक्स्ट कम्स टैबलेट कंप्यूटर्स. सो दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉलर एंड लाइटर दैन द लैपटॉप कंप्यूटर्स. ये लैपटॉप कंप्यूटर से भी छोटे होते हैं और हल्के होते हैं, बट बिगर दैन स्मार्टफोन. लेकिन आपके जो स्मार्टफोन होते हैं जिससे आप कॉलिंग करते हैं उससे बड़े होते हैं. Instead of a keyboard and mouse, यहाँ पे keyboard, mouse नहीं होता. Tablet में क्या होता है, touch
स्क्रीन लगा होता है, तो ये टच सेंसिटिव स्क्रीन होती है इसमें, जिसमें आप आराम से टाइप कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, जैसे आप अपने स्मार्टफोन में करते हैं। ये जो टैबलेट है इसकी स्क्रीन आपको 7 से 8 इंच 10 इंच तक की मिलेगी। पॉपुलर यूजेस ऑफ टैबलेट इंक्लूड रीडिंग ई बुक्स। टैबलेट ज़्यादातर ई बुक्स पढ़ने के काम आते हैं, मूवीज़ देखने के काम आते हैं, फोटोज़ देखने के काम आते हैं और ब्राउज करने के काम आते हैं। अगला जो कंप्यूटर है वो है पाम टॉप कंप्यूटर्स। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ पाम टॉप कंप्यूटर, जो आप इजीली अपने पाम पे रख सकते हो। दिस इज़ योर पाम एरिया, तो यहाँ पे आप आराम से रख के इसे ऑपरेट कर सकते हैं, इन्हें हम पाम टॉप कंप्यूटर्स कहते हैं। अ पाम टॉप कंप्यूटर इज अ स्मॉल डिवाइस दैट कैन फिट ऑन द पाम ऑफ योर हैंड। ये जो डिवाइस है ये सिमिलर फीचर्स होते हैं उसमें जो दूसरे कंप्यूटर्स में होते हैं। इसमें जो स्क्रीन है वो स्मॉल होती है विथ अ कंप्रेस कीबोर्ड, और एक छोटा सा कंप्रेस कीबोर्ड होता है। सम ऑफ दीज कंप्यूटर्स रिप्लेस अ कीबोर्ड और माउस विद अ पेन दैट सर्व्स एज एन इनपुट डिवाइस। कई जगहों पे क्या होता है, कीबोर्ड को हटा के इसकी जगह पे पेन या फिर पेन को यूज किया जाता है, जो कि एक इनपुट डिवाइस का काम करता है। नेक्स्ट कम्स हैंड हेल्ड डिवाइसेस। सो दीज डिवाइसेस आर स्मॉलर इन साइज एंड कैन बी इजिली हेल्ड इन द हैंड एंड कैन आर कॉल्ड हैंड हेल्ड डिवाइसेस। तो ऐसे डिवाइसेस जो आराम से आप अपने हाथ में पकड़ सके हो, ऐसे डिवाइसेस को हैंड हेल्ड डिवाइसेस कहते हैं। ये जो काफ़ी ज़्यादा कन्वेंशनल होते हैं एंड ये आपके पॉकेट्स में भी इजिली कैरी हो सकते हैं। स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स कंप्यूटर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ हैंड हेल्ड डिवाइसेज। ये कुछ हैंड हेल्ड डिवाइसेज हैं एंड द हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। और ये जो हैंड हेल्ड डिवाइसेज इन्हें पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स भी कहा जाता है। दीज डिवाइसेज ईदर हैव अ टच इनेबल डिस्प्ले। जो डिवाइसेज है ये इनमें टच इनेबल डिस्प्ले होता है, स्क्रीन होती है एज द इनपुट आउटपुट इंटरफेस और अ सिंपल डिस्प्ले यूनिट विथ अ कीबोर्ड। नाउ लाइक अ डेस्कटॉप कंप्यूटर दीज डिवाइसेस कैन यूज टू परफॉर्म एनी टास्क। तो जैसे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर को यूज़ करते हैं वैसे इन डिवाइसेस को भी यूज़ कर सकते हैं अलग अलग काम करने के लिए। अगला आता है हमारा स्मार्टफोन, जिसमें ये हैंड हेल्ड डिवाइसेस की कैटेगरी में आता है। ये एक हैंड हेल्ड डिवाइस है जिसमें फीचर्स होते हैं पर्सनल कंप्यूटर के और मोबाइल फ़ोन के, दोनों ही फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। इसे यूज़ किया जा सकता है कॉल्स को रिसीव करने के लिए, टेक्स्ट मैसेजेस भेजने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, वेब ब्राउजिंग करने के लिए, पिक्चर्स को कॉपी करने के लिए, वीडियो गेम्स को खेलने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। अगला आता है गेम कंसोल। ये है आपके सामने गेम कंसोल, जिससे आप आराम से कोई भी गेमिंग एक्सपीरियंस ले सकते हो। सो ये जो है गेम कंसोल यूज़ किया जाता है इंटरैक्टिव वीडियो गेम्स खेलने के लिए। ऐसे डिवाइसेस जो है इक्विप्ड होते हैं डिस्प्ले स्क्रीन के साथ। गेम कंट्रोल्स क्या कर जैसे जिसमें जॉयस्टिक आती है, बटन्स आते हैं या स्पीकर्स आता है इसमें। एंड इट कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड टू द टीवी। ये टीवी से कनेक्ट किया जा सकता है या फिर किसी कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकता है। And in that case, the user interacts with the game through handheld controllers. और इस केस में यूज़र जो है इंटरैक्ट करता है गेम से हैंड हेल्ड कंट्रोलर से। एग्जाम्पल ऑफ गेम कंसोल इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स। तो ये एक एग्जाम्पल है गेम कंसोल का, सोनी प्ले स्टेशन, नाइनटेंडो गेम क्लब एंड नाइनटेंडो WII। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं गेम कंसोल्स के। नेक्स्ट आता है एम्बेडेड सिस्टम्स। द एम्बेडेड सिस्टम्स इज द ओनली वन दैट हैज़ अ कंप्यूटर हार्डवेयर विद सॉफ्टवेयर। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है सॉफ्टवेयर के साथ, एम्बेडेड और इम्प्लांटेड इनटू अ लार्ज डिवाइस, जो एक बड़े से डिवाइस में लगा दिया जाता है। इट कंप्राइजेज ऑफ ऑल द एसेंशियल कंप्यूटर कंपोनेंट्स। इसके अंदर कंप्यूटर की सारी चीज़ें होती है, जैसे कि CPU होता है, RAM होता है, ROM होता है, इनपुट और आउटपुट मीडियम होता है, बट डज नॉट हैव डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड और स्क्रीन। ना इसमें डिस्क ड्राइव होता है, ना ही इसमें कीबोर्ड होता है और ना ही स्क्रीन होता है। ये जो डिज़ाइन किया जाता है अलग तरीके के स्पेसिफिक चीज़ों को करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल TV सेट,
vehicles, telephone, digital camera, washing machine, microwaves, printers, dishwashers, medical equipments. Embedded systems are also called microcontrollers और इन्हें microcontrollers भी कहा जाता है. अगला आता है आपका मिनी कंप्यूटर्स. सो ये जो कंप्यूटर्स हैं ये बड़े होते हैं साइज में माइक्रो कंप्यूटर्स से भी, टिपिकली बीइंग द सेम साइज एज ऑफ अ रेफ्रिजरेटर. ये रेफ्रिजरेटर के साइज के होते हैं. दे हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड एंड आर कॉस्टलियर देन माइक्रो कंप्यूटर्स. इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत तेज़ होती है और माइक्रो कंप्यूटर्स से महंगे होते हैं. ये जो कंप्यूटर्स है ये कैपेबल होते हैं सपोर्ट करने के लिए 4 to 200 यूजर्स साइमल्टेनियसली. एक साथ 200 यूजर्स को ये कंट्रोल कर सकते हैं. दे आर यूज इन बैंक्स. बैंक्स में ये यूज़ किए जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ किए जाते हैं और दूसरे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किए जाते हैं. एग्जाम्पल है PDP-8, HP-2100, Micro-VAX-3100. नेक्स्ट आता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. ये जो कंप्यूटर्स हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं एंड दे आर बिग इन साइज विद लार्ज मेमोरी एंड हाई स्पीड. इनका जो साइज है काफ़ी बिग होता है, मेमोरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है. दे आर डिज़ाइन टू प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. बहुत सारे डेटा को इकट्ठा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. मोर देन 100 यूजर्स कैन यूज़ अ मेन फ्रेम कंप्यूटर साइमल्टेनियसली. एक साथ हंड्रेड्स ऑफ यूज़र इस कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं. ये जो कंप्यूटर है ये यूज़ किए जाते हैं नेटवर्क एनवायरमेंट में. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड आर मेनली यूज फॉर बैंक्स. ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं और इन्हें बल्क्स में बल्क डेटा प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है. लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ यूज़ करती हैं, बैंक्स यूज़ करते हैं, साइंटिफिक लाइब्रेरीज, एयरलाइंस, रेलवे टिकट रिजर्वेशन काउंटर्स, स्टॉक मार्केट एक्सेट्रा. तो इन सब जगहों पे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं. एंड इनके एग्जाम्पल है IBM Z सीरीज, PDP-10 एंड System Z-10. अगला आ गया आपका सुपर कंप्यूटर्स. दे आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स विद अ ह्यूज प्रोसेसिंग स्पीड. ये हैं आपके सुपर कंप्यूटर्स जिनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं. ये जो कंप्यूटर्स हैं इन्हें यूज़ किया जाता है वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, स्पेस रिसर्च के लिए, सैटेलाइट कंट्रोल करने के लिए और भी चीज़ों के लिए. एंड इनके एग्जाम्पल्स है Cray-1, Cray-2, परम, Tianhe-2, सनवे, Taihulight एक्सेट्रा. सो दीज आर अ फ्यू ऑफ द सुपर कंप्यूटर्स. नेक्स्ट आता है आपके कंप्यूटर लैंग्वेजेस. सो द लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर व्यूज एंड फीलिंग्स. लैंग्वेज क्या है? ये एक मीडियम है जिसके थ्रू हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं. टू कम्युनिकेट विथ अ कंप्यूटर वी नीड अ लैंग्वेज. कंप्यूटर से अगर आपको बात करनी तो आपको क्या चाहिए? एक लैंग्वेज चाहिए दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड, जो कंप्यूटर समझ सके. फॉर एवरी एक्शन अ कंप्यूटर हैज टू बी गिवन इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंगली. हर एक एक्शन के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए. अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू. ये जो प्रोग्राम है ये क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस को एक साथ बोलना, इसे हम प्रोग्राम कहते हैं, जो ये बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है. द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इन अ लैंग्वेज ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग. और इन सारी चीज़ों को, इन सारे इंस्ट्रक्शंस को एक साथ कंप्यूटर के लैंग्वेज में लिखने को ही हम प्रोग्रामिंग कहते हैं. ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक रूल्स. जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं चिल्ड्रेन, उन सब के अपने अपने कुछ रूल्स हैं. द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इम्प्रूव कंसिडरेबली. ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है. एडिंग टू द ईज एंड एबिलिटी टू ऑफ प्रोग्रामर्स टू राइट पावरफुल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. तो जिसकी मदद से प्रोग्रामर्स जो है ईजिली जो है पावरफुल प्रोग्राम्स लिख पाते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज हैज़ बिन डिवाइडेड इन टू द फॉलोइंग कैटेगरीज.
तो यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज जिन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पहला है मशीन लैंग्वेज, फिर असेंबली लैंग्वेज, फिर हाई लेवल लैंग्वेज, फिर फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। पहला हम पढ़ेंगे मशीन लैंग्वेज, जो कि फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया जाता था। इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स। ये एक ऐसे इकलौती लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है। इट्स एक्सप्रेस इन द बाइनरी फॉर्म, इसे बाइनरी फॉर्म में लिखा जाता था, जीरो और वन के फॉर्म में, वेयर जीरो का मतलब होता था ऑफ और वन का मतलब होता था ऑन। मशीन लैंग्वेज हैज़ द एडवांटेज ऑफ वेरी हाई स्पीड एंड वेरी लो मेमोरी यूटिलाइजेशन। तो ये जो मशीन लैंग्वेज था, इसकी जो स्पीड थी काफ़ी हाई थी और मेमोरी काफ़ी लो लेता था ये। बट अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग मशीन लैंग्वेजेस आर टफ एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लेकिन इस मशीन लैंग्वेज को समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट एंड डिबग प्रोग्राम्स, इन प्रोग्राम्स को लिखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, रिटन इन मशीन लैंग्वेज। इट्स एक्सट्रीमली मशीन डिपेंडेंट, ये जो है पूरी तरह से मशीन डिपेंडेंट है। दैट इज़ वाई मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो रिगार्डेड एज लो लेवल लैंग्वेज, इसलिए इसे लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता था, जिसे LLL कहते हैं। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम रिटन ऑन वन कंप्यूटर मे और मे नॉट रन ऑन अनदर कंप्यूटर। अगर एक मशीन लैंग्वेज को एक कंप्यूटर पर लिखा गया तो हो सकता है उस कंप्यूटर पर ना चले। बिकॉज ऑफ दिस वेरी फ्यू पीपल ऑप्ट फॉर स्पेशलाइजेशन इन मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज में बहुत कम लोगों ने स्पेशलाइजेशन ली। नेक्स्ट कम्स असेंबली लैंग्वेज। दिस वॉज आवर सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज यूजेज निमोनिक कोड्स और सिम्बल्स इन प्लेस ऑफ वन एंड जीरो। तो वन और जीरो की जगह पर ये निमोनिक कोड्स को यूज करने लगे, सिम्बल्स को यूज करने लगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ऑपरेटर कोड फॉर एड इज 0010 इन बाइनरी लैंग्वेज, अगर ऐड को हम 0010 लिखेंगे बाइनरी लैंग्वेज में, तो इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ADD ऐड इन असेंबली लैंग्वेज। एज असेंबली लैंग्वेज यूजेस सिम्बॉलिक कोड्स, क्योंकि ये जो असेंबली लैंग्वेज है ये सिम्बॉलिक कोड्स को यूज़ करते थे, हेंस इट्स ईजी टू वर्क इन असेंबली लैंग्वेज। तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी था इस लैंग्वेज में वर्क करना देन इन द बाइनरी लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट, ये जो असेंबली लैंग्वेज है ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। लाइक मशीन लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन दिस लैंग्वेज इज ऑल्सो क्वाइट टाइम, दिस लैंग्वेज इज ऑल्सो क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। तो जैसे कि हमारा मशीन लैंग्वेज था, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये भी काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, दस इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज लो लेवल लैंग्वेज, इसलिए इसे भी लो लेवल लैंग्वेजेस की कैटेगरी में डाल दिया गया। अब आती है बारी थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज की। द रिस्ट्रिक्शंस इन द यूसेज ऑफ मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज प्रॉम्प्टेड कंप्यूटर एक्सपर्ट्स टू डेवलप अ लैंग्वेज विद द फॉलोइंग फीचर्स। तो जो लैंग्वेज डेवलपर्स थे उन्होंने क्या किया, एक नई तरीके की लैंग्वेज बनाई, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेजेस फेल हो चुके थे। सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज इन्होंने बनाई, लैंग्वेज दैट इज मशीन इंडिपेंडेंट, और ऐसे लैंग्वेज बनाई जो मशीन इंडिपेंडेंट है, मींस मशीन पे डिपेंडेंट है। ओइंग टू द दीज मेंशन फीचर्स इट बिकेम ईजी टू लर्न एंड यूज द कंप्यूटर लैंग्वेज। तो ये जो दोनों फीचर्स थे इसमें, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ईजी था इसे यूज़ करना और लर्न करना। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्टार्टेड राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूजिंग दीज लैंग्वेजेस। अब इन लैंग्वेजेस को यूज़ करके लोगों ने प्रोग्राम्स लिखना शुरू कर दिए। दे आर ऑल्सो नोन एज हाई लेवल लैंग्वेजेस, इन्हें हाई लेवल लैंग्वेजेस कहा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज से। इसमें आता है कोबोल, फॉर्ट्रान, बेसिक, सी, सी प्लस प्लस, जावा एक्सेट्रा आर सम ऑफ द वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। अब आता है हमारा फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, जिसे हम 4GL कहते हैं। हाईली यूजर फ्रेंडली एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम इज 4GL।
with following characteristics. Very high speed of execution. ये जो fourth generation language था इसका speed जो था execution का काफ़ी high था. Designed to reduce the level of programming effort. तो ये जो है programming जो efforts थे उनका level जो है reduce करने के लिए बनाया गया था. Minimum efforts for the user to obtain any information. इसमें minimum efforts लगाने थे user के किसी भी information को obtain करने के लिए. Designed to reduce the overall time it takes to develop the required software. ये design इसे ऐसे design किया गया था कि ये क्या कर सकता था, जो पूरा overall time था उसे reduce कर सकता था. And the cost of software development also. और ये जो software development का जो cost था उसे भी reduce कर रहा था. In 4GL the user has to specify only the required output. 4GL में जो यूज़र था उसे सिर्फ जो दिया गया आउटपुट था उसे ही स्पेसिफाई करना था. दे वांट वाइल द कंप्यूटर डिटरमाइंस द सीक्वेंस. भले ही ये जो कंप्यूटर है ये सीक्वेंस को डिटरमाइन करता है ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट विल अकम्प्लिश दोज रिजल्ट्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हो लैंग्वेजेस हैं और उनके फीचर्स दिए गए हैं. पहला है मशीन लैंग्वेज, यूज़ करता था बाइनरी कोड्स को डिपेक्ट करने के लिए ऑपरेटर्स एंड डेटा को. मशीन डिपेंडेंट था. ओनली लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. ये सिर्फ ऐसी लैंग्वेज थी जो कंप्यूटर समझ सकता था. फिर आया असेंबली लैंग्वेज जो निमोनिक कोड्स यूज़ करता था, सिंबल्स को यूज़ करता था बाइनरी नंबर्स की जगहों पे. और इसने क्या किया था, मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट किया था इन असेंबली लैंग्वेज में. ये भी मशीन डिपेंडेंट था. फिर आता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज. इसमें जो इंग्लिश वर्ड्स यूज़ किए गए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ किए गए. ये भी मशीन इंडिपेंडेंट था. हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय ट्रांसलेटर. इसे जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ रहा था ट्रांसलेटर्स के द्वारा. एंड इसे हम कहते हैं इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर. सो इनका काम था ये इन्हें चेंज करना. फिर आता है आपका 4GL जो कि मशीन इंडिपेंडेंट था. मिनिमल यूज़र स्किल रिक्वायर्ड. इसमें यूज़र की स्किल काफ़ी कम जरूरत थी उसकी. एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल. ये एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए टूल्स भी थे इसमें. नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन लैंग्वेज प्रोसेसर्स. यू ऑलरेडी नो दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली द मशीन लैंग्वेज. आपको ये पता है कि कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है. हैंस अ प्रोग्राम रिटन इन एनी अदर कंप्यूटर लैंग्वेज has to be converted into machine language. तो किसी भी language में program को भले ही लिखा जाए उसे convert करना पड़ता था machine language में. To translate any high level language program to the machine language. किसी भी high level language program को machine language में translate करने के लिए software is required. एक software की ज़रूरत पड़ती थी. A software is called the language processor. इसे language processor या फिर language translator कहा जाता है. There are three different types of language translators. पहले हैं assembler, फिर interpreter और फिर compiler. ये क्या करते हैं, इस language को machine language में convert करते हैं. अब पहला आता है आपका assembler. Translator program that are used to convert assembly language program into machine language. सो ये असेंबलर क्या करता था, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था. इसीलिए इसे असेंबलर के नाम से जाना जाता था. अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. सो जो भी प्रोग्राम लिखा जाता था असेंबली लैंग्वेज में उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या फिर ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं. फिर आता है आपका इंटरप्रेटर. ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को. यूज टू कन्वर्ट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज. ये हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था. इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स लाइन बाय लाइन, एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शंस एंड देन रिपीट्स द प्रोसीजर फॉर द रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस. तो ये जो भी प्रोग्राम था उसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता था ट्रांसलेट करने के बाद, एंड इस प्रोसीजर को आगे फॉलो करता जाता था. इफ एनी एरर आर फाउंड, अगर कोई भी एरर आ जाता था बीच में, दे आर टू बी रिमूव इमिडिएटली, उसे तुरंत ही रिमूव करना पड़ता था. एज अ कन्वर्टेड फॉर्म इज नॉट स्टोर एनी वेयर. ये जो कन्वर्टेड फॉर्म था ये कहीं भी स्टोर नहीं होता था.
सो इट हैज़ टू बी जनरेटेड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. तो जब भी आपको प्रोग्राम चलाना होता था इसे जो है आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता था. इंटरप्रेटेड प्रोग्राम्स आर प्रेफर्ड फॉर बिगनर्स एंड आर स्लो इन एग्जीक्यूशन स्पीड. ये जो है बिगनर्स के लिए अच्छा है और इनकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड है काफ़ी ज़्यादा स्लो है. नेक्स्ट आता है आपका कंपाइलर. कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम. ये ट्रांसलेटर प्रोग्राम है यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है पूरे प्रोग्राम को एक बार में. इट जनरेट्स ऑब्जेक्ट कोड फॉर द प्रोग्राम अलॉन्ग विद द लिस्ट ऑफ एरर्स. ये जो ये क्या करता है, जनरेट करता है ऑब्जेक्ट कोड को एरर्स की लिस्ट के साथ. द एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ कंपाइलर इज फास्टर एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर. और जो कंपाइलर है उसकी जो स्पीड है वो इंटरप्रेटर से ज़्यादा है. सो दिस वॉज अ चैप्टर चिल्ड्रेन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेट्स रिवाइंड. प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स. An interpreter translates line by line, whereas a compiler translates the whole program at once. Computers are categorized into four types with respect to the speed, storage capacities, size and cost. The four types of computers are microcomputers, mini computers, mainframe computers and supercomputers. Handheld devices gradually become smaller in size and can be easily held in the hand. Smartphone and tablet computers are a few examples of the handheld devices. And embedded system is the one that has a computer hardware with software embedded or implanted into a larger device. Now let's move on to book exercise. Check yourself. And here A exercise is check the correct option. So let's move on to the first question children. An arrangement of dash was used in the first generation computers. So kis cheez ke arrangement ko use kiya gaya tha first generation computers mein. Yahan pe options diye gaye hain vacuum tubes, integrated circuits, transistors, none of these. So the correct answer is vacuum tubes. Next, laptops usually have dash inch screen 11 to 12, 13 to 15, 16 to 18 or none of these. So the correct answer is 13 to 15 inch. So children, the rest of the questions are your homework. You have to do it yourself. Now children, let's move on to fill in the blanks. Second generation computers were used between 1956 and 1963. Second one, integrated circuits were used instead of transistors in the third generation computers. Like this, do the rest of the questions. Now let's move on to true or false. Fifth generation computers are able to think and take decisions like human. Yes, this is true. Assembly language is regarded as a first generation language. No, this is false. The first generation language was machine language. And the rest three are your homework. Now children, let's move on to D part, which is answer the following questions here. The first question is differentiate between the features of first generation and the second generation computers. So there are many features of first and the second generation computers. The difference is first, the first generation computer use vacuum tubes, whereas the second generation computer use transistors in them. Next, they use magnetic tapes for storing the data, and these second generation computer use magnetic drums. The first generation computers were slow in speed, whereas the second generation computers were faster than first generation computers. Next, the first generation computers were very huge in size, but the second generation computers were a little bit smaller in size as compared to first generation computers. So these are four of the differences. You can write more here children. Now let's move on to the next question. What do you mean by machine language?
So machine language is the language that was generated in the first generation computers, and it used binary codes like 0 and 1. So in which 0 was for off state and 1 was used for on state. So the computer, this is the only language that computer understands, and it was the first language that was developed for computers. There are some more details, you can find it out and write it from the book. Now children, the third question is, what is assembly language? How is assembly language different from machine language? Kaise dono different hai? So assembly language use numeric codes, but the machine language use binary codes like 0 and 1. But the assembly language use numeric codes, such as for writing addition, they use add as the code. There are some more differences. Machine language was used in the first generation. Assembly language was used in the second generation. And assembly language was more understood than machine language. Machine language took a lot of time for understanding, and for it was time consuming. But in comparison to machine language, assembly language was a little bit easy. Both were machine dependent. Next question is, what are the features of high level language and differentiate between interpreter and the compiler? So these rest of the questions, children, are your homework. You have to do it yourself, and with this we have completed the chapter. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.